बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज आउटपुट, टाइप्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस एंड डिस्प्ले स्क्रीन और उसके फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटपुट क्या होती है। तो स्टूडेंट, सिंपल एक कॉन्सेप्ट है आउटपुट का कि हम कहते हैं कि डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं और उसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, आउटपुट होती है। तो इसको सिंपल वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं, प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज आउटपुट। तो आउटपुट की टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, दो तरह की होती हैं आउटपुट। एक हमारे पास आउटपुट होती है सॉफ्ट फॉर्म में, एक होती है हार्ड फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, ऐसी आउटपुट जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे कि आप लोग इस स्लाइड को वॉच कर रहे हैं तो ये एक सॉफ्ट कॉपी एग्जांपल है। सॉफ्ट कॉपी टेंजिबल नहीं होती, इसको हम छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं। इट मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड, इसको हम छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो सेकेंड टाइप हमारे पास है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है, जो कि हार्ड फॉर्म में नजर आती है, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, एक सॉफ्ट कॉपी है, एक हार्ड कॉपी है, जो कि आपके प्रिंटेड फॉर्म में होती है, एक पेपर पे प्रिंट हुई होती है, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। हार्ड कॉपी ऐसे आउटपुट होती है स्टूडेंट्स, जो आपके पेपर के ऊपर प्रिंट होती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और ये आमतौर पर जो है वो प्रिंटर्स या प्लॉटर्स ऐसी डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज, जो कि इस आउटपुट को जनरेट करती हैं। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थी आउटपुट की, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर की तरफ से। तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिस्कस करें, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आपको जो है वो डिस्प्ले करती हैं। तो अब आउटपुट डिवाइसेस में, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, वेब कैम है, स्पीकर्स हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन, माइक्रोफोन, प्रिंटर वगैरह, इस तरह की डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब एग्जांपल्स में मैंने जैसे अभी आपको नाम लिए हैं, मॉनिटर है, इसके अलावा प्रिंटर्स हैं, प्लॉटर्स हैं और स्पीकर्स हैं, तो ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्ले स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस होती है, जैसे नाम से जाहिर है, डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब ये है कि आपको चीज़ दिखाना, आउटपुट दिखाना। तो डिस्प्ले स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, वीडियो, इमेजेस, कुछ भी चीज़ जो है वो आपको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमनली डिस्प्ले स्क्रीन है वो मॉनिटर इस्तेमाल की जा रही है। तो अब नेक्स्ट में हम देखेंगे डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो उसके फीचर्स क्या हैं। तो इसको जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जनरेट करने के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो कुछ आजकल जो है वो मोस्ट जो है वो टच स्क्रीन भी आ रही हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाली डिस्प्ले स्क्रीन होती हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास आता है साइज़, फिर आता है हमारे पास कलर, और फिर आता है रेजोल्यूशन। इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है साइज। तो स्टूडेंट, साइज में हमारे पास जो स्क्रीन आ रही हैं उसको डायगनली जो है वो मेजर किया जाता है, यानी कि कॉर्नर टू कॉर्नर मेजर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है, यहाँ पे देखें, वाइड स्क्रीन है और ये स्टैंडर्ड स्क्रीन है, इसमें डायगनली जो है इसको मेजर किया जाता है। अब इसके साइजेस आते हैं डिफरेंट, जो है वो डिवाइसेस के लिए डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर्स के लिए जो यूज़ होती है स्क्रीन, वो 17-30 inches की इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए भी जो है वो एक स्टैंडर्ड या वाइड स्क्रीन जो है वो यूज़ की जा रही है। इसके अलावा लैपटॉप स्क्रीन जो है उसके लिए 14-17 inches की जो है वो स्क्रीन यूज़ की जा रही है। फिर टैबलेट्स हैं, तो टैबलेट स्क्रीन के लिए जो है वो 7-10 inches इस्तेमाल की जा रही है। तो ये साइज़ क्या है, एक ऐसा फीचर है जिसकी बेस पे आप डिस्प्ले स्क्रीन्स को आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप्स के लिए अलग होगी, टैबलेट की स्क्रीन के लिए अलग होगी, मॉनिटर्स के लिए अलग होगी। तो ये बात नहीं माइंड में रखनी कि जो लैपटॉप के लिए है वही टैबलेट के लिए इस्तेमाल होगी, जो टैबलेट के लिए वही मॉनिटर के लिए इस्तेमाल होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्योंकि मैंने अभी आपको रेंजेस बता दी हैं, जो मॉनिटर्स हैं उनके लिए 7-30, लैपटॉप के लिए 14-17,
एंड टैबलेट स्क्रीन के लिए 7 to 10 इंच की स्क्रीन जो है वो यूज हो रही है। उसके बाद आता है कलर फीचर। अब कलर फीचर में क्या है कि डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो या तो मोनोक्रोम कलर हो सकती है या फिर कलर हो सकती है। अब RGB जो है वो कलर इस्तेमाल किया जाता है। RGB जो कलर है ये स्टैंड फॉर है रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ये 256 कलर्स और थाउजेंड ऑफ वेरिएशंस, इन कलर के जो है वो जो शेड्स होते हैं, जो वेरिएशंस होती हैं, वो हजारों में होती हैं। तो ये जो है वो इन चीजों को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मोनोक्रोम डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो एक सिंगल कलर में, जो कि हमारे पास व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या अम्बर हो सकता है, या रेड हो सकता है, इनमें से कोई एक कलर जो है वो मोनोक्रोम कलर होगा, क्योंकि मोनोक्रोम कलर ही सिंगल कलर होता है। जो कि कलर की बात हो रही है उसमें RGB कलर आ सकता है, जो कि 256 कलर्स को सपोर्ट करता है जी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी कैरेक्टर्स और इमेजेस स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं वो पिक्सल और डॉट्स की फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं। मीन्स टू से दैट कि जो आपकी इमेज है बेसिकली वो छोटे छोटे डॉट्स में अपीयर होती है आपकी स्क्रीन के ऊपर, या तो फिर वो डॉट्स डार्क हो सकते हैं या फिर वो कलर हो सकते हैं। तो उन पिक्सल्स को मिला दें तो वो रेजोल्यूशन कहलाती है, डॉट्स को मिला दें पिक्सल्स बनते हैं। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी रेजोल्यूशन की वो स्क्रीन होगी। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो जितनी नंबर ऑफ, मैंने भी बात की है कि हायर नंबर ऑफ पिक्सल्स मींस शार्पर एंड क्लीनर इमेज, यानी कि जितने अच्छे और ज्यादा इमेज जो सॉरी पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी इमेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट फीचर ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन का। तो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स के बारे में। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।